शुक्रवार को सन 2022 की अंतिम सामान्य सभा निगम सभागार में आयोजित की गई। ये सभा काफी हंगामेदार रही। विपक्ष ने शहर की सफाई व्यवस्था और सफाई ठेका को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया, पर विफल रहे। वही हंगामे के बीच सदन में प्रस्तुत सभी प्रस्ताव पारित भी कर दिए गए। नगर पालिक निगम भिलाई की 2022 की अंतिम सामान्य सभा शुक्रवार 30 दिसंबर को आयोजित की गई। इस पे एजेंडों पर चर्चा करने के लिए पक्ष और विपक्ष आमने सामने थे, परंतु विपक्ष ने मात्र सफाई व्यवस्था को लेकर शहर सरकार को घेरने का प्रयास किया और सदन में जमकर हंगामा भी हुआ। परंतु विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने में असफल रहा और भरपूर हंगामे के बीच सदन में लाए गए सभी प्रस्तावों को सभापति गिरिवर बंटी साहू के माध्यम से पारित कर दिया गया। विपक्ष ने इसके बाद सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ने जबरिया दबाव बनाकर सभी प्रस्तावों को पारित किया है। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष की भूमिका सदैव हंगामा करने की होती है, जैसा कि इस सभा में भी किया गया, परंतु किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विपक्ष सामने नहीं आता। सभा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष की महिला जनप्रतिनिधि भी आपस में घमासान करती नजर आई। सदन में विपक्ष ने पूरे शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष से सवाल जवाब किया और सफाई ठेका दिए जाने पर सत्ता पक्ष और ठेकेदारों के बीच में मिलीभगत का भी आरोप लगाया। देखिए, प्रस्ताव बहुत सारे थे, कई प्रस्तावों का हमने तार्किक रूप से और पूरे तथ्यों के आधार पर विरोध किया, दो तीन प्रस्ताव को हमने रोका भी। और सफाई जो एक महत्वपूर्ण विषय शहर में है, भी अभी कुछ दिन पहले डायरिया से दो लोगों की मृत्यु भी हो गई। इस सफाई के मुद्दे पर हमारा ये तर्क था कि 3 माह के लिए जो एजेंसी अभी कार्यरत है उसको 3 माह की समय वृद्धि बढ़ाई गई है। हमने ये बताया कि ऑलरेडी वो 2-3 नगर निगमों में ब्लैकलिस्टेड हो चुकी है, तो जो एजेंसी ब्लैकलिस्टेड हो चुकी है छत्तीसगढ़ के अंदर में, उसको जो आप भुगतान दे रहे हो या उसको जो समय वृद्धि आपने बढ़ाई है, वो अपने आप में क्या विधि सम्मत है? और मैंने ब्लैकलिस्टेड वाला जो कागज़ है वो भी आयुक्त महोदय को दिया है। इसके बाद अगर उस एजेंसी को ये लोग 1 रुपये का भी भुगतान कर रहे हैं या फिर उस एजेंसी को जो समय अवधि बढ़ाए हैं, ये एकदम नियम विरुद्ध है। ये अपने सत्ता पक्ष अपने बल का प्रयोग करते हुए अपने किए गए भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपने छुपाए कृत्य को छुपाने के लिए बहुमत के आधार पर प्रस्ताव को पारित करके ये लोग चले गए हैं, जबकि हम लोग सारे विषय पर क्रमवार चर्चा चाह रहे थे। ये लोग चर्चा से भागने का प्रयास करते हुए लगातार दिखे। देखिए, आगामी ये है कि वो जो और कागज़ है उस एजेंसी जो सफाई कार्य कर रही है उसको जो ब्लैकलिस्टेड किया गया, वो और पेपर के साथ हम लोग यहाँ आयुक्त महोदय के सामने प्रस्तुत करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि इसको कोई भुगतान न किया जाए और इसकी समय वृद्धि को न किया जाए, कलेक्टर दर पर कार्य किया जाए। हम लोग जनता को, जनता ने हमको यहाँ पर अपने सही विषयों को रखने के लिए भेजा है। सत्ता पक्ष भले बल का प्रयोग करते हुए कुछ भी करे, लेकिन हम पब्लिक की आवाज़ को यहाँ पर लगातार उठाते रहेंगे और तथ्यों के आधार पर उठाते रहेंगे। और हमने कोई भी चर्चा एजेंडे के बाहर की नहीं कही है। सत्ता पक्ष अपने गलत विषयों को पास कराना चाहता था, इसलिए वो चर्चा से भाग गया। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से निगम महापौर नीरज पाल ने विपक्ष की भूमिका को संदेहास्पद बताते हुए उन्हें सिर्फ हंगामा करके सदन की कार्रवाई में खलल डालने की आदत बताया। देखिए, विपक्षियों का काम तो सिर्फ आरोप लगाना है। आप आज सदन में, आप लोग मौजूद थे, आपने देखा कि उन लोगों ने कितने जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से रवैया किया। एक तो हमारी सामान्य सभा बहुत समय के बाद होती है। सामान्य सभा में बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो पूरे शहर को प्रभावित करने वाले विषय होते हैं। छोटे जो विषय होते हैं वो तो हम लोग महापौर परिषद में हमारे अधिकार क्षेत्र का होता कर लेते हैं, लेकिन जो पूरे शहर को प्रभावित करने वाले जितने भी ऐसे मामले होते हैं वो सब सामान्य सभा के माध्यम से होते हैं। और उसमें हम लोगों को, हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि उसमें हम लोगों को पूरे सदन की सहभागिता मिले। लेकिन आपने पहले भी देखा है, आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो किसी भी विषय पर चर्चा करना ही नहीं चाहते। सार्थक चर्चा जिससे हो सके उस विषय पर कोई अच्छा निर्णय तो हम लोग जो कर रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे हिसाब से अच्छा है और हम लोग उस हिसाब से सदन में प्रस्ताव को लेके जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये चाहते हैं कि उनके भी सुझाव उसमें आए। लेकिन वो कभी भी कोई सार्थक विषय पर कोई सुझाव उन्होंने कभी कोशिश की है ना देते। जहाँ तक बात आप एजेंसी की कर रहे हैं जो हमारे यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का काम कर रही है, वो प्रॉपर्टी टैक्स को लेके जरूर शिकायतें आई थी, जिसको हम लोगों, जैसे ही हमारे संज्ञान में आया है तो उस एजेंसी का काम निरस्त करके फिर से उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं उसका प्रयास किया गया है और एक दूसरी एजेंसी को काम दिया गया है। और निश्चित रूप से अब हमारे राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। नहीं, ऐसी कोई बात सदन के अंदर नहीं की गई और ऐसी बात कभी आज तक के इतने सालों में, सर लक्ष्मीपति राजू जी बहुत सीनियर सदन के सदस्य हैं और वो सदन की हमेशा गरिमा का ध्यान रखते हैं,
वाद विवाद दूसरे विषयों पर होता है उसमें जोर से कम से कोई आवाज़ में बात कर सकता है, लेकिन ऐसे शब्दों का कभी प्रयोग नहीं किया गया। मैं निश्चित रूप से आपको बता सकता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं हुई है, जिसने भी बोला है गलत बोला है आपको, ऐसी कोई बात। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डायरिया की जब शिकायत आई थी, डायरिया खाली गंदगी से या पानी से या किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ से नहीं होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार बासा खाना खाने से, कुछ गलत खा लेने से भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो बीते समय की बात है और हम लोगों ने बहुत जल्दी उसको नियंत्रित किया। सदन उस गरिमा का पालन नहीं करते हैं जिस जो एक्ट में जो प्रावधान है जिसके तहत सामान्य सभा होनी चाहिए, वो कभी भी उस प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं। जैसे ही हमारा राज्य गीत समाप्त होता है, वैसे ही उन लोगों को न्यूसेंस करना चालू करते हैं, हमेशा मुद्दों से हट के बात करते हैं। अगर वो कोई प्रश्न चाहते हैं उस प्रश्न को लगाएं, ये प्रक्रिया एक्ट में है, लेकिन वो प्रश्न वहाँ लगाते नहीं और जब सदन में आके जो सदन के जो विषय है उससे हट के बात करते हैं। प्रोटोकॉल में उनको एक जो एक्ट है हमारा नगर निगम अधिनियम है, उसमें वो एक व्यवस्था बनी हुई है कि अगर उनको कोई विषय पर कोई प्रश्न पूछना है तो समय निश्चित है, उस समय पर वो प्रश्न लगा सकते हैं, जिसका जवाब हम चाहें तो लिखित में भी दे सकते हैं। लेकिन हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है और हमारे जितने भी सम्मानित सदस्य हैं महापौर परिषद के, वो स्वयं संबंधित विभाग से जो प्रश्न उनके द्वारा लगाया जाता है उसका जवाब सदन में खड़े होकर सबके सामने देते हैं। पूरी सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष के कुछ सवालों पर सत्ता पक्ष भी कमजोर दिखा और सदन में भिलाई नगर निगम क्षेत्र में डायरिया से हुई 2 मौतों का मामला भी गूंजा, जिस पर सत्ता पक्ष अपनी नजरें बचाता हुआ नजर आ रहा था। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।